चालू होती। कलेक्टिव में काम करेंगे स्पिनिंग मिल के मसूर। डीएम ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। डीएम से मिले विद्यार्थी मित्र, पंचायत साहब भर्ती में लगाया भेदभाव का आरोप। भाजपा ने कांग्रेस को चुनौती, कहा टोटल विकास भाजपा के पास में। अब समाचार विस्तार से। राजस्थान की प्रमुख औद्योगिक इकाइयों में शुमार स्पिनिंग मिल अब वक्त के साथ इतिहास बनने की तैयारी में है। सरकार ने जुलाई से मिल पर तालाबंदी का निर्णय किया है। इसके साथ ही न सिर्फ मजदूरों बल्कि शहर के लोगों में मिल बंद होने की कसक है। हनुमानगढ़ की स्पिनिंग मिल कभी गुलजार हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ यह भी कुप्रबंधन की भेंट चढ़ गई और अब सरकार ने इसे बंद करने का औपचारिक निर्णय भी ले लिया। इससे उन मजदूरों में भय है जिनके वेतन और बोनस आदि लंबित हैं। मजदूरों का कहना है कि अगर मिल बंद करने से पहले उनका हिसाब नहीं हुआ तो फिर मामला अटक जाएगा, इसलिए तालाबंदी से पूर्व हिसाब तो होना ही चाहिए। इंटक नेता महावीर सिंह राठौड़ और सीटू नेता भागीरथ डूडी के नेतृत्व में कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित से मिलने पहुंचे मजदूरों ने कहा कि अब कलेक्टर के पास आकर सारी बात की है ताकि उचित हल निकाला जा सके। उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। आपने बातचीत की है, बातचीत में कलेक्टर साहब ने पहली बार थोड़ा सा हौसले से आश्वासन दिए है कि भी आपकी प्रक्रिया जो मजदूर बचे हुए हैं 230 मजदूर, क्योंकि हमारे पहले डाउटफुल बना हुआ था, 56 मजदूर की कैटेगरी अलग बना दी, 190 मजदूरों की अलग बना दी। आज कलेक्टर साहब ने ये कहा है कि ऐसी बात नहीं है, 230 मजदूरों की स्वीकृत हमारे पास सरकार की तरफ से लिस्ट आई है और इसके बारे में प्रस्ताव मांगा गया है और वो प्रस्ताव हम आज भेज देंगे। लेकिन अच्छी बात है, फिर भी हम कलेक्टर साहब को चेता दिए है कि कलेक्टर साहब हमारी चालू मिल के अंदर कम से कम 15 आदमी ऐसे थे जो रिजाइन दे, आपकी घर की समस्याओं को देखते हैं गरीब मजदूर थे वो रिजाइन दे के चले गए, उनका आज तक हिसाब नहीं हुआ है। कम से कम 15 कर्मचारी 15-20 ऐसे हमारे कर्मचारी है, मजदूर है बहुत से जो आज तक हिसाब नहीं हुआ है। इधर से सरकार ने एक क्लोजिंग का लेटर दे दिया 31 जुलाई का, इसलिए हमारा विरोध है कि क्लोजिंग को रुकाने के लिए हमने आज जो लेटर दिया क्लोजिंग रुकाने के लिए 31 जुलाई का जो टाइम दिए हैं इसको हम रुकाने विरोध के मायने शर्मा आयुक्त को हम अपील करेंगे, वहाँ भी रुकाएंगे। आज अभी लेटर पेड में सारी यूनियन अलग अलग से हम आगे भेजेंगे, क्योंकि वहाँ से स्टे लेने की कोशिश करेंगे कि सरकार का जो नुमाइंदा वो है प्रस्ताव, उससे पहले हमारे 230 मजदूर है, इनका जो समस्या है उनका समाधान किया जाए और जो बकाए है CL PL पेमेंट तनख्वाह बोनस जो भी है वो पूर्ण हिसाब किया जाए, उसके बाद में क्लोजिंग अगर मिल करती है तो कोई बात को नहीं, हमारा विरोध नहीं है। उनका जो अभी गवर्नमेंट ने जो प्रस्ताव दिया है हम उस क्लोजर का तो विरोध कर ही कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि क्लोज होने से पहले जितना भी जिस भी मजदूर का जो भी बकाया है, चाहे उसने रिजाइन दिया हो, चाहे उसने विधिवत वो अपना रिटायरमेंट सेवानिवृत्त हुआ हो, चाहे उनके CL की बात हो, चाहे उनके बोनस की बात हो, उनका जितना भी जो भी बकाया है ना वो सबसे पहले दे नंबर वन। और दूसरी बात ये कि जितने हमारे जो 230-235 मजदूर अभी जो बचे हुए हैं इनको एडजस्टमेंट करें, एक एक पाई का हिसाब करने के बाद ही क्लोज की बात कर रहे हैं, उससे पहले अगर क्लोज करने की बात करते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे। और मैं आपको एक निवेदन और कर देना चाहता हूं कि अभी डूडी जी ने खुलासा नहीं किया कि लेकिन अगर हमने हमारे मन में ये कर रखा है कि ये 15 अगर जून तक अगर नहीं हुआ तो उसके बाद हो सकता है हमें दोबारा जो पहले हमने आंदोलन किया था उसी तरह का हमें आंदोलन खड़ा करना पड़े। हम नहीं चाहते कि आंदोलन हो, कि मिल तो ये बंद हो चुकी, सरकार ने ये मन में कर लिया कि ये इसको बंद करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति का एक एक मजदूर का जो भी बकाया है उसका हिसाब हो जाना चाहिए और जो बाकी है उनका समायोजन या उनका कहीं ना कहीं डेपुटेशन पे उनकी नौकरी लगनी चाहिए, यही हमारी सबसे बड़ी मांग है मुख्यमंत्री। धन्यवाद। स्पिनिंग मिल के उन 230 मजदूरों के लिए खुशखबरी है कि अब मिल की जगह कलेक्ट्रेट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और सिंचाई महकमे में डेपुटेशन पर लगा जाएगा। इसके तहत वेतन आदि में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने इस आयोजन को बताया कि इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भिजवाया है। मिल के जो बकाया कर्मचारी हैं जो जिन्होंने वेरियस ले लिया उनके अलावा जो शेष कर्मचारी हैं उनके लिए राज्य सरकार ने जो यहाँ के विभागों में वैकेंसी है उसमें रिवर्स डेपुटेशन पे लेने के लिए प्रस्ताव मंगवाए हैं, जिसमें मुख्यतः तीन विभाग कलेक्ट्रेट और चिकित्सा कार्यालय और जल संसाधन विभाग, इन तीन विभागों में उनके रिवर्स डेपुटेशन के प्रस्ताव बनवाकर आज भिजवाए। मैं 230 के आसपास कर्मचारी शेष हैं जिसमें 99 कलेक्ट्रेट के लिए, 17 जल संसाधन विभाग के लिए और शेष CMHO कार्य के लिए। पंचायत साहब भर्ती में कथित भेदभाव का आरोप लगाते हुए विद्यार्थी मित्रों ने कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन दिया। ज्ञापन के अनुसार बिना अनुभव वालों को नौकरी दी गई जबकि अनुभव वालों की अनदेखी की गई।
कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने मामले की जांच करवाने का भरोसा दिलाया है। उसको तो चेंज कर लिया गया वहीं पर, ठीक है, उसके बाद भी वहीं पर एसएमसी के माध्यम से जो एक जाइड आ कर जैसे 1 से 50 तक है उनकी यहाँ सीओ के पास भेज दी गई, किसी का चयन नहीं किया गया, कहीं पर बिना अनुभव के भी चयन कर लिया गया, उनको दरकिनार करके उनका अनुभव था उनको तो रखा नहीं है स्कूलों ने, में पीओ साहब ने, और जो फ्रेशर है 12वीं उत्तीर्ण है उनके परसेंटेज के बेस पे उनको रख लिया गया है। यही कहा था कि हम तो बेरोजगार हो गए हैं, फिर एप्लीकेशन यही दी गई, अन्य को क्यों रखा गया, विद्यार्थी मित्र को क्यों नहीं रखा गया, उनके अनुभव को जाँच क्यों नहीं की गई, कागजों को अच्छी तरह से जाँच करके उनको रखा जाना था ना। अन्य थे उनके पास सिर्फ एमए तक का वो था, कोई अनुभव नहीं था, उनको लिया गया है मेरे जगह पे। मेरा नाम है पुष्पा बारी और उनका जो चयन किया गया, मेरे पास विद्यार्थी मित्र का है अनुभव 5 साल 7 माह और 6 दिन का, उनका अनुभव को कम किया गया है, जो अनुभव का उनको लेना था कम स्थान दिया गया है और नंबरों को ज़्यादा दिया गया है, वो कहते हैं मेरिट के हिसाब से हमने सिर्फ 12वीं का जो हमारा था इंटरव्यू रख लिया, उसमें इंटरव्यू में हमारा सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक की गई और कुछ नहीं लिया गया। भाजपा ने कांग्रेस को चुनौती दी है कि जिले का विकास अगर हुआ तो वह सिर्फ भाजपा के राज में, कांग्रेस के पास उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं। नगर मंडल टाउन की मीटिंग में जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो विकास की ढांचा की क्या बात करें भाई, हनुमानगढ़ के मेरा दावा है हनुमानगढ़ के विकास की कोई ऐसी नहीं है जिस पर डॉक्टर राम प्रताप का नाम नहीं। कांग्रेस को मेरा खुला चैलेंज है, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ तो खुला चैलेंज है कि अगर एक भी जगह पिछले 20 साल ये शासन में रह ली और बलराम जी ठाकुर जैसे उत्तरी भारत के सबसे बड़े नेता इनके रिश्तेदार रह ली, अपने इतना बड़ा कोई होता तो पता नहीं हनुमानगढ़ को पाल ले जाते। हमने तो इनको राज साहब ने तो इसको जिला बनाने से लेकर आज तक जितने भी विकास कार्य हुए हैं चाहे गांव में हुए हो चाहे शहर में, आपके अभी ये 40 करोड़ का जंक्शन टाउन के बीच में 4 लेन का काम हमने शुरू किया, इनके कार्यकाल में तो गहलोत जी आकर शिलान्यास कर गए जिस काम को मुख्यमंत्री शिलान्यास 2 साल अपने शासन काल में रहते हुए करके गए और उस कार्य को पूरा नहीं कर पाए तो उससे लोग जनता का क्या भला कर सकते हैं। माहेश्वरी समाज द्वारा महेश्वरी दिवस मनाया जाएगा, इस उपलक्ष्य में माहेश्वरी युवा मंडल की बैठक हुई जिसमें कार्यक्रम की तैयारियां करते हुए जिम्मेदारियां तय की गयी। महेश्वरी समाज द्वारा महेश वंशोपति दिवस मनाया जाएगा, इसके तहत 3 मई को भगवान महेश का रुद्राभिषेक कर प्रभात फेरी निकाली जाएगी, इसके बाद जिला अस्पताल में मरीजों में फलों का वितरण किया जाएगा। 4 मई को टाउन स्थित भटनेर पैलेस में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। दिवस इस वर्ष बहुत शानदार धूमधाम तरीके से मनाया जाएगा जिसमें 3 तारीख को सुबह भगवान महेश का रुद्राभिषेक किया जाएगा, उसके बाद में प्रभात फेरी जो महेश भवन तक जाके समापन, उसके बाद में हमारा प्रोग्राम है जी सुबह सरकारी हॉस्पिटल राजकीय चिकित्सालय में बिस्कुट और फल का मरीजों को वितरण, तो 3 तारीख का प्रोग्राम हमारा वहीं पर समापन होगा, उसके बाद 4 तारीख को भटनेर पैलेस फूड ग्रैंड धर्मशाला में हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम और रात्रि को महाभोज। सुरतगढ़ मार्ग पर टोल टैक्स का विरोध कर रहे युवक कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने अब विरोध का दूसरा रास्ता अपनाया है, अब ये चालकों से हस्ताक्षर करवाकर सरकार को भिजवाने का काम करेंगे। शुक्रवार को युवक कांग्रेस के वर्करों ने हस्ताक्षर अभियान का आगाज किया। मकासर के पास सूरतगढ़ रोड पर चालकों को रोककर उसे खराब सड़क के बारे में बताया जा रहा है, फिर उन्हें समझाया जा रहा है कि जब सड़क खराब है तो फिर टोल टैक्स क्यों दें। चालकों को भी यह बात समझ में आ रही है, उनका कहना है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए तभी कुछ सुधार संभव है। से आगे वो हनुमानगढ़ तक पूरा सड़क दर्जर है और गाड़ी लाइन गाड़ी चलने की लाइन है, फिर भी टोना का लगता है हमारा, ये टोना हमारी जेब से ओवर सी है तो मतलब पैसे धक्के से निकालने की बात है, पूरी रोड खत्म है, पूरी गाड़ी सस्पेंस है और वगैरह वगैरह सब कुछ खराब होता है, टायर पंचर हो जाता है और हो जाता है, पूरा डिवाइडर खत्म है। अब लगातार 2 साल हो गए हमें संघर्ष करते हुए यूथ कांग्रेस द्वारा और ग्रामीणों द्वारा, लेकिन बड़े दुख की बात है अभी कुछ राजनीतिक लोग जो कि इन टोल टैक्स के ठेकेदारों के साथ मिली भगत होने के कारण उन्हें जनता की कोई परवाह नहीं है। हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ जो ये रोड है ये बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, डिवाइडर नाम की कोई चीज़ नहीं है,
टोल नाके पे न कोई पानी पीने की व्यवस्था है, न कोई लेट की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी भोली भाली जनता की जेब कटी जा रही है, उससे टोल वसूला जा रहा है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से हनुमानगढ़, पीलीभीतर, सूरतगढ़ के लोगों को जागरूक करना चाहूँगा कि वो इस टोल नाके के खिलाफ हमारे साथ खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद करे, तो आने वाले समय में ये जो टोल नाका है ये यहाँ से उठाया। तो टोल नाके लायक नहीं रोड, जगह जगह फूटी पड़ी है, आखिरी लग रही है, जंप लग रहे हैं, इसका टोल टैक्स नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल बेकार रोड है, जबरदस्ती टोल टैक्स ले रहे हैं, ज्यादा इसका कुछ बनाना, इसको सफाई करने, इसकी टूटा हुआ रोड का टोल टैक्स ले रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि बंद होना चाहिए। पिछों तो लैके सूरतगढ़ तो सारा टुटिया, चक चक मारी जाती है, टायर फोड़ी जाती है, पैसे नजायज लै रहे हैं, फिर पैसा जरा मुड़ता वो भी नहीं, पैसा मोड़ रहे, टोफियां दे रहे नाल पैसे दियाँ, पैसा मोड़ नहीं रहे, टोल टैक्स बंद होना चाहिए। सूरतगढ़ जो टोल रोड है इसकी हालत तो बड़ी ख़राब है, और ये जो फिर भी टोल वसूल रहे हैं, टोल के नाम पे कसर ग्रामवासियों ने जो अभियान चलाया है, बड़ा ही सराहनीय कदम है, और मुझे लगता नहीं प्रशासन के कान पे जूम भी रहेगी, क्योंकि पहले भी बहुत सारे संगठनों ने इस बार शांतिपूर्वक अपने ज्ञापन सौंपे हैं, तो जब तक कोई आंदोलन नहीं करेंगे तब तक लगता नहीं कोई काम होगा, तो इसलिए हम देखते हैं, बात करेंगे ग्रामवासियों से, शहर के लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, जो संबंधित गाँव है, डबली है, बिली बंगा है, सूरतगढ़ तक सभी लोग अगर इसे जन आंदोलन बनाएंगे तो निश्चित हल निकलेगा। मामूली बात पर कहा सुनी और विवाद के बाद कोर्ट पहुंचे दंपति आखिरकार फिर से एक हो गए, वो भी चार दशक बाद, 40 साल का वक्त कम नहीं होता। आपसे विवाद से कोई फायदा न होते थे, दंपति ने जब एक साथ रहने का संकल्प लिया तो अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओम प्रकाश नायक सहित बाकी अधिवक्ता भी संतुष्ट नजर आए। गाँव ढालिया का एक परिवार 40 साल से अलगाव की स्थिति झेल रहा था, अतः बीवी को याद नहीं जब शौहर के साथ उनकी अनबन हो गई, झगड़ा बढ़ा और उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओम प्रकाश नायक के मुताबिक अतः बीवी का निकाह नाजम खान के साथ 28 मार्च 1976 में हुई थी। शादी के कुछ वर्षों बाद इनका अलगाव भी हो गया। आलम यह है कि 30 वर्षीय पुत्री शेरा तूर और 25 वर्षीय बेटे रजाक की भी शादी हो गई। आखिर में जब कोर्ट ने समझाइश की तो फिर दोनों राजी हो गए, दोनों ने खुशी भी जताई। खुशी नहीं आया, रोड़ा माड़ा मोटे चलता ही रहने लिया, तो मैं जल्दी पसंद बुराना का बात क्या, अच्छा। मारपीट वास्ते थी, खर्चा पानी नहीं देता है, अच्छा जी। कई साल तो अलग अलग हो लड़पिट पाए, माड़ी मोटी लड़ाई हुई, हाँ। बोलते बोलते कम ढेर बढ़ गया, 40 साल बाद केस हो गया, केस तो बाद अच्छी हम इकट्ठे ला गए, दोबारे शादी तरह शादी हो गई, गर्व साहब ये 40 साल से अलग अलग रह रहे थे दोनों, उनके दो बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी 40 साल से अलग अलग रह रहे हैं। यहाँ भरण पोषण के लिए मामला चल रहा था और मैं करीब 6 महीने से इनके राजीनामा करवा के घर बसवाने का प्रयास कर रहा था, और आज जो प्रयास है वो इनके वकील साहब के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से और राजीनामे के माध्यम से इनका निस्तारण हुआ है, और दोनों ही पति पत्नी दोबारा अपने वैवाहिक जीवन को पुनः दोबारा से स्थापित करने के लिए तैयार हुए हैं और दोनों एक साथ रहने के लिए। उत्तम पब्लिक स्कूल में 15 दिवसीय समर कैंप का समापन शुक्रवार को किया गया, इसमें बच्चों को घुड़सवारी, संगीत व तैराकी आदि का प्रशिक्षण दिया गया। बाबा बालकनाथ ने शिविर का अवलोकन किया। रामसरा नारायण स्थित उत्तम पब्लिक स्कूल में समर कैंप का समापन समारोह पूर्वक किया गया। बाबा बालकनाथ, भाजयुमो जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक और डायरेक्टर कविंदर सिंह शेखावत आदि ने कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने इस तरह के शिविरों का महत्व समझाया और कहा कि इससे बच्चों को खेल खेल में काफी कुछ सीखने को मिलता है। आयोजन किया गया था कैंप का और आज इसका समापन समारोह है। इसके अंदर हमने बच्चों के शारीरिक और मानसिक और उनकी तीव्र बुद्धि बनाने के लिए अच्छी संस्कार की और इस तरह की बातें सिखाई, जैसे कि स्केटिंग है, स्विमिंग है, हॉर्स राइडिंग है, स्पोकन क्लास है, स्पोकन इंग्लिश में बच्चा कैसे, कोई घर पे गेस्ट वगैरह आए वो कैसे बोले, कैसे उनसे बिहेव करे, प्लस माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी और अपने गुरुजन और अपने बड़े भाई और परिवार मित्र को, पारिवारिक मित्रगण को किस तरह से संबोधन किया जाए, इस तरह से हमने बच्चों का सर्वांगिक विकास के हिसाब से इस स्कूल का निर्माण किया और उसी निश्चित
रूप से उसी तर्ज पे हम लोग चल रहे हैं। छात्र छात्राओं ने समर कैंप में हिस्सा लिया था, उनके माता पिता भी आए हैं और उन्होंने अपने बच्चों की प्रतिभा को अपनी आंखों से देखा है और उसके साथ साथ सभी छात्र छात्राओं को और उनके माता पिताओं को स्कूल उत्तम पब्लिक स्कूल की ओर से भोजन भी करवाया गया है। हॉर्स राइडिंग हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो स्केटिंग हो, तो उससे क्या है कि बच्चों का मनोबल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और एजुकेशन के साथ साथ एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग हमेशा रहता है। तो जो उत्तम पब्लिक स्कूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कविंदर सिंह जी हैं, हमारे आदरणीय प्रोफेसर आदरणीय कैलाश कंवर जी हैं, इनका अच्छा मार्गदर्शन, उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा हमारे स्टूडेंट्स को, मानगढ़ के पूरे क्षेत्र को हो रहा है। और मेरा बेटा भी रेगुलरली आ रहा है यहाँ पे और आज इसके क्लोजिंग सेरेमनी में आए हम लोग देखने के लिए कि क्या कुछ सीखा है। तो अच्छा लगा बहुत देख के, मेरे बेटे ने स्पोकन इंग्लिश में भी पार्टिसिपेट किया था तो वहाँ जो डिबेट वगैरह हुआ तो उसमें मेरे को लगा कि हाँ उसने बहुत कुछ सीखा है। स्विमिंग भी सीख गया, सबसे बड़ी मेरे को बहुत खुशी है कि मैं चाहती थी वो स्विमिंग सीखे लेकिन वो सीख नहीं पा रहा था, तो अब यहाँ सीख लिया उसने 10 दिनों में। और अभी हॉर्स राइडिंग का भी देख के आई हूँ तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा रिस्की है, पता नहीं कैसे करेगा, पर इसने अच्छा कैंटर तक इसने चलाया है तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत अच्छा रहा। तंबाकू उत्पादों को बेचने के लिए बालिग होना जरूरी है लेकिन कानून के बावजूद दुकानों पर नाबालिगों को गुटखा आदि बेचते देखना बड़ी बात नहीं। ऐसे में प्रबुद्ध लोगों ने इससे संबंधित कानून की पालना सुनिश्चित करवाने की आवश्यकता जताई है। डॉक्टर भवानी सिंह एरन और बारसंघ के अध्यक्ष प्रद्युमन प्रमाण के नेतृत्व में वकीलों और डॉक्टरों ने एसपी यादव फांसल से मुलाकात की और कानून की क्रियान्वयन करने का आग्रह किया। मनाया जा रहा है विश्व तंबाकू निषेध सप्ताह। तंबाकू निषेध कोर्ट का वाला इसमें सर एक वॉइस ऑफ टोबैको विक्टिम संस्था है जो इसके लिए कानून बनवाने के लिए संघर्ष करती रहती है। पच्चीस तारीख से 31 तारीख तक विश्व तंबाकू निषेध सप्ताह मनाया जा रहा है। आज के टाइम में तंबाकू से होने वाले मुंह गले के कैंसर जो हैं छोटी उम्र में भी देखने को मिल गए हैं और इसके लिए एक कानून बना हुआ है किशोर न्याय अधिनियम में, जिसमें कि माइनर बच्चों को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बेचना तंबाकू या नशे के कोई भी प्रोडक्ट बेचना दंडनीय अपराध है। 7 लाख का जुर्माना और 1 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। लेकिन ये सब जगह बड़ी फ्रीली अवेलेबल है, कानून बना हुआ है, पुलिस महानिदेशक से ऑर्डर भी जारी हुआ है लेकिन इस कानून की व्यवहारिक रूप में पालना नहीं हो पा रही। तो इसके लिए हम बार संघ और एक संस्था है VOTV जो तंबाकू प्रोडक्ट के अगेंस्ट लड़ाई कर रही है, वॉइस ऑफ टोबैको विक्टिम, हम दोनों ने मिलकर आज SP साहब को ज्ञापन दिया है कि जो ये कानून बना हुआ है और जिसके लिए पुलिस महानिदेशक ने लिखा हुआ है सबको, उस कानून की पालना सुनिश्चित कराई जाए। बार संघ ने भी इसका समर्थन किया है और SP साहब ने भी यही कहा है कि इसके लिए जो कानून बने हुए हैं उनको प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। इसके लिए जो भी बार संघ का सहयोग पुलिस प्रशासन चाहेगा उसके सहयोग उसको सहयोग देने के लिए हम तत्पर हैं। और इसके रोकने से एक फायदा ये है कि बच्चों को, अगर अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करेंगे तो ही राष्ट्र निर्माण होगा। हनुमानगढ़ में राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता की तैयारियां जोरों पर हैं। शनिवार को प्रतियोगिता का आगाज होगा। जंक्शन स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में प्रस्तावित प्रतियोगिता में राज्य भर के करीबन 500 खिलाड़ी भाग लेंगे। हनुमानगढ़ टाउन स्थित भैरव सिंह पावार नगर में रविवार को कबीर शिक्षण संस्था का उद्घाटन होगा। डायरेक्टर फादरा राम यादव के मुताबिक संत जितवानंद जी महाराज इसका उद्घाटन करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, देखते रहिए समाचार। नमस्कार।